In this video, we will start fifth chapter of class 10th, which is arithmetic progression. क्या चैप्टर का नाम arithmetic progression है. So let's start the video. तो arithmetic progression होता क्या? सबसे पहले इसका मतलब होता है कि कोई भी सीरीज होती है. क्या होती है? नंबर की सीरीज. नंबर की सीरीज मतलब क्या? सपोज करो मैंने यहां पे लिखा 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो ये क्या एक नंबर की सीरीज है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है क्या है, नंबर की सीरीज ऐसी होती है जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है. कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या, एक के बाद एक जो नंबर्स आते हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा. जैसे सपोज करो मैं 2 का टेबल लिखता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. तो इसमें क्या है, 2, 2 के बाद क्या आ रहा है, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8. ये क्या एक सीरीज बन रही है. और इस सीरीज में जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आने वाले नंबर्स है, उनका डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा. जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है. यहाँ पे 6 माइनस 4 कितना होगा, 6 माइनस 4 कितना होगा, 2. 8 माइनस 6 कितना होगा, 2 होगा. 10 माइनस 8 कितना होगा, 2 होगा. तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, नंबर्स की सीरीज ऐसी होती है जिसमें एक के बाद एक जो कंसेक्यूटिव नंबर्स आते हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है. डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, और डिफरेंस कितना भी हो लेकिन सेम होना चाहिए. यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, 2 का टेबल लिया था. कोई और सीरीज ले सकते, जैसे यहाँ पे सपोज करो मैंने लिया 2, 5, 8, 11, 14. ठीक है, एंड सो ऑन. अब इसमें क्या होगा, 2 के बाद क्या आ रहा है, 5. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है. नेक्स्ट क्या है, 8 और 5, तो 8 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 3 होता है. ठीक है, 11 माइनस 8 कितना होगा, ये भी 3 होगा. 14 माइनस 11 कितना होगा, 3 होगा. तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें समझना क्या है कि नंबर्स की ऐसी सीरीज होगी जिसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा. इन नेक्स्ट अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि जो दूसरा नंबर मिलेगा, फर्स्ट नंबर पर जो दूसरा नंबर मिलेगा उसके बाद जो तीसरा नंबर मिलेगा उनके बीच का डिफरेंस सेम, मतलब सेम नंबर को ऐड करने पे हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा. जैसे हमने क्या 2 था, 2 पे हमने 3 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 5. अब 5 में हमने फिर से 3 ऐड किया तो क्या मिला, 8. 8 में 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 11. मतलब जो आगे आने वाले नंबर मिलते हैं वो किसी एक सेम नंबर को ऐड करने पे मिलेंगे. तो वो नंबर कौन सा है, 3 है. तो क्या होगा, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस, नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा, हमेशा सेम होगा. वो चाहे जितना हो, यहाँ पे 2 था, इस सीरीज में 3 है. जैसे अलग अलग सीरीज में नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है. तो इसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें ऐसी सीरीज जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा. तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कुछ टर्म्स दिए हैं जिसको हमें पढ़ना है. फर्स्ट टर्म क्या है, ए. नेक्स्ट है डी, ए एन, ए एन और एल. तो सारे टर्म्स को हम 1 बाय 1 करके सीखते हैं. सपोज करो मैं पता कोई सीरीज दी हुई है यहाँ पे 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन. ये हमारे पास कोई सीरीज दी हुई है. ठीक है, अब इस सीरीज में ये सारे टर्म्स आते हैं. पहला क्या लिखा है मैंने, ए. ए इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म. ए क्या होता है, मेरा फर्स्ट टर्म. मतलब हमारे पास जो भी सीरीज दी हुई है, वॉट एवर सीरीज गिवन, उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं. बेसिकली इसको ए वन भी बोलते हैं, ए वन, या फिर शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए A1 या फिर ये A. तो A1 क्या होता है, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम बोलते हैं A. यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म कितना है इस क्वेश्चन में, 3. इस सीरीज में हमारा फर्स्ट टर्म कितना था, 3 था. ये हमारा A हो गया, 3. D होता है कॉमन डिफरेंस. D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है. अब डिफरेंस किसका, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स आते हैं, जो एक के बाद एक नंबर आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है क्या, D. जैसे 7 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 4. तो ये हमारा 4 क्या हो गया, डी हो गया. डी क्या है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4. 11 माइनस 7 करेंगे वो भी 4 आएगा. और एक बार याद रखना कि जो डी होता है वो सारे नंबर्स के बीच में सेम आना चाहिए. अगर डी कहीं पे भी अलग हुआ तो नंबर क्या होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा. वो सीरीज क्या होगी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नहीं होगी. तो मतलब क्या होना चाहिए, जो डी होगा हमेशा सारे नंबर्स में सेम आना चाहिए. सपोज मैंने अभी 19 माइनस 15 किया तो कितना आएगा, 4 आएगा. ठीक है, 19 माइनस 15 कितना होता है, 4 होता है. ठीक है, तो डी हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. ये हो गया हमारा डी, कॉमन डिफरेंस. नेक्स्ट है हमारा ए एन. ए एन मतलब होता है एंथ टर्म. ए एन क्या होता है, एंथ टर्म होता है, मतलब जो सीरीज है उसका एंथ टर्म. एन मतलब क्या होगा,
कितने सीरीज में कितने टोटल नंबर्स है, और ए एन सपोज करो मैंने पूछ लिया ए टू, एन के बेसिस में मैंने क्या दिया ए टू, मतलब हमारा सेकंड टर्म पूछा है, सेकंड टर्म इसमें क्या दिया हमारा सेवन दिया हुआ है, ठीक है। तो ए एन का मीनिंग क्या होता है, एंथ टर्म, जो भी टर्म पूछेगा जिस नंबर का टर्म पूछेगा वो हमें बताना है। तो ए टू मतलब सेवन, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए फोर, ए फोर का मतलब क्या होगा फोर्थ टर्म, तो वन टू थ्री फोर, फोर्थ टर्म क्या है हमारी फिफ्टीन, ये हो गया हमारा ए फोर। तो ए एन का मतलब होता है जो टर्म हमने पूछे मतलब एंथ टर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल, एल मतलब होता है लास्ट टर्म, एल क्या होता है लास्ट टर्म, जो भी सीरीज हमको दी है उसमें सीरीज के हमारे लास्ट में टर्म दिया होगा, सपोज सीरीज मैंने ऐसे लिखी है थ्री सेवन नाइनटीन, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्वेंटी सेवन, तो ट्वेंटी सेवन क्या होगा सीरीज का लास्ट टर्म, मतलब थ्री सेवन इलेवन फिफ्टीन नाइनटीन लास्ट में कहा था ट्वेंटी सेवन तक, तो ट्वेंटी सेवन क्या होगा सीरीज का एल मतलब लास्ट टर्म होगा, कितना होगा ट्वेंटी सेवन, जो भी सीरीज का लास्ट टर्म होता है लास्ट में जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं एल, ठीक है ये नंबर है। अब मैंने यहाँ बताया कि ए क्या होता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, ए को हम क्या बोलते हैं ए को हम ए वन ही बोल सकते हैं ए वन, ठीक है ये हो गया ए वन। फिर ए टू आता है, तो हमें ए टू कैसे मिला, सपोज करो हमें ए वन दिया है और डी दिया हुआ है, ए वन इज इक्वल टू थ्री दिया है एंड डी इज इक्वल टू फोर दिया है, क्वेश्चन में सपोज करो हमें ए दिया है थ्री और डी दिया है फोर, तो ए टू कैसे मिलेगा, तो सेकंड टर्म हमें कैसे मिलता है कॉमन डिफरेंस को उसमें एड करेंगे तब हमें सेकंड टर्म मिलेगा ना, फर्स्ट टर्म हमारा थ्री है, अब थ्री में इस कॉमन डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस कितना हमारा फोर, तो थ्री में फोर को ऐड करेंगे तो हमें सेवन मिलेगा, तो ए टू मतलब सेकंड टर्म, वो कैसे मिलेगा ए प्लस डी मतलब थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन, जो हमारा ए टू, ठीक है। और सपोज हमें ए थ्री फाइंड करना है, तो ए थ्री कैसे मिलेगा, ए टू में हमें डी एड करना है, हमारा ए टू था ए टू कितना आ गया हमारा सेवन आ गया, ए टू में क्या एड करना आपस में कॉमन डिफरेंस डी एड करना है, तो सेवन प्लस फोर इज इक्वल टू इलेवन, तो जो जो भी हमें टर्म फाइंड करनी होती है उसके पहले वाले टर्म में हम डी को ऐड करते हैं, सपोज करो हमें ये टर्म फाइंड करनी है, क्या करेंगे हम इसके पहले वाले टर्म में डी को ऐड कर देंगे, इलेवन में फोर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें फिफ्टीन, तो जो भी टर्म फाइंड करनी है उसके पहले वाले टर्म में हमको डी ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा, ठीक है। ऐसे ए फोर पूछेगा तो ए थ्री प्लस डी, ठीक है ये फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म फाइंड करने का, ए फोर मतलब फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में डी को ऐड कर देंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिलेगा, फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे तो फोर्थ टर्म में हम डी को ऐड कर देंगे तो हमें सिक्स टर्म मिल जाएगा, ठीक है। ये होते हैं इसके कुछ टर्म्स को हम याद रखेंगे। सो नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल, एग्जांपल इज ए इज इक्वल टू फोर डी इज इक्वल टू फाइव, कह दिया हमें ए दिया है डी दिया है हमें फाइंड सीरीज, मतलब सीरीज हमें फाइंड करनी है, हमें खुद से सीरीज बनानी है, कह दिया हमारे पास ए दिया है, ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है डिफरेंस होता है, डी कॉमन डिफरेंस, हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया है ए और डी दिया है फाइव, मतलब हमें आगे के टर्म्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट टर्म ए दिया है, सेकंड टर्म फाइंड करना है ए टू, तो सेकंड टर्म क्या होता है मैंने बताया था ए प्लस डी होता है, क्या होता है ए प्लस डी, ए कितना दिया है फोर डी दिया है फाइव, तो फोर प्लस फाइव कितना हो गया नाइन, ये हमारा आ गया ए टू, ए थ्री फाइंड करना है तो ए टू प्लस डी कर देना है, ए थ्री फाइंड करना तो उसके पहले वाले टर्म, उसका पहला टर्म क्या होगा ए टू होगा, उसमें डी को एड कर देना है, तो ए टू कितना है हमारा नाइन आया था प्लस डी कितना है फाइव है, नाइन प्लस फाइव कितना होगा फोर्टीन, ए फोर फाइंड करना है तो ए थ्री प्लस डी, ए फोर फाइंड करने के लिए ए थ्री में डी एड कर देंगे, ए थ्री कितना आया फोर्टीन प्लस डी कितना है फाइव एड कर देंगे तो कितना आएगा नाइनटीन, फर्स्ट टर्म दिया हुआ था हमने सेकंड टर्म फाइंड किया, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो अब सीरीज क्या बनेगी इसकी, पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं फोर, सेकेंड टर्म कितना आया नाइन, थर्ड टर्म कितना है फोर्टीन और फोर्थ टर्म नाइनटीन, ये आगे ऐसे सीरीज क्या होगी आगे इंक्रीज होगी, इसमें फाइव फाइव हम ऐड करते आएंगे तो सीरीज आगे इंक्रीज होगी, ये हमारी सीरीज बन गई। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में हमें बोला हो कि फाइंड ए एन, सपोज इसी क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि ए एन फाइंड करना है, मतलब एन टर्म में फाइंड करना है, तो यहां हमारे पास ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब जहां पे देखो ये फॉर्मूला जो है इसके बराबर ही है, ये फॉर्मूला लिखा है ना वही लिखा है, तो यहाँ पे ए एन पूछा है, सपोज करो हमारे पास अगर ए फोर पूछा होता एन के प्लेस पे हम फोर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं ए थ्री प्लस डी, ए थ्री मतलब क्या है एन के पहले वाला, अगर हमारे पास एन फोर है तो ए थ्री क्या होगा एन माइनस वन होगा ना, एन माइनस वन कितना होगा हमारे पास थ्री होता है, यहाँ पे सेम वही दिया कि ए एन दिया है तो पहले ए एड करेंगे प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए कितना है हमारे पास फोर, यहाँ पे फोर रख दो प्लस एन माइनस वन, एन कितना बोला है आपको
एन पता है, हम लिखेंगे एन माइनस वन, क्योंकि हमें एंथ टर्म फाइन करनी, वो नंबर कौन सा हमें नहीं पता, एंथ टर्म हमें फाइन करनी है, एन एन माइनस वन इंटू डी कितना दिया है फाइव, यहाँ पे लिख देंगे फाइव से मल्टीप्लाई, तो फोर प्लस फाइव इंटू एन करेंगे पहले फाइव एन, और फाइव इंटू वन करना है, फाइव वन जा कितना होगा माइनस फाइव, तो फोर और माइनस फाइव कितना होता है माइनस वन, प्लस ये क्या बचा फाइव एन, तो ये हो गया हमारा ए एन। किसी भी सीरीज में हमको ए और डी दिया हो तो हमारा एंथ टर्म ऐसे फाइन करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमने ए की वैल्यू पुट की यहाँ पे, एन माइनस वन और डी की वैल्यू पुट की, इसे मल्टीप्लाई किया अंदर तो हमारा आंसर आ गया माइनस वन प्लस फाइव एन, ये क्या हमारा एंथ टर्म है, सीरीज का एंथ टर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे क्वेश्चन में आगे आएंगे। फ्रेंड्स लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे हमें सीरीज दी हुई है 9, 6, 3, 0, -3, -6 एंड सो ऑन, हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और ए एन फाइंड करना है एंड टर्म। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, ए कितना होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 9, सिंपल है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म जो भी हमारा ए होगा, सिंपल है। डी डी क्या होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब ए टू माइनस ए वन करना होता है, डी क्या होगा ए टू माइनस ए वन, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, डी क्या होगा ए टू माइनस ए वन, तो ए टू कितना है हमारा 6 है और ए वन कितना है 9 है, तो ए टू माइनस ए वन, इसमें से इसको माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, ए टू में से ए वन माइनस करना है, ए टू माइनस ए वन, तो 6 माइनस 9 कितना होता है माइनस 3, 6 माइनस 9 कितना होगा हमारा माइनस, तो मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस हो कितना आएगा माइनस 3 आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, ए एन फाइंड करना है, ए एन, तो ए का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए कितना है हमारे पास 9, ये हो गया 9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हमारे पास माइनस 3 आया, मल्टीप्लाई करना किसका माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है माइनस 3 का मल्टीप्लाई करना, ये 9 रहेगा प्लस 3 इंटू एन करेंगे कितना है माइनस 3 इंटू एन, आंसर आएगा माइनस 3n, और 3 इंटू वन माइनस माइनस प्लस 3 इंटू वन कितना होगा 3, 9 ये 9 और ये प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना होता है 12 और ये प्लस माइनस माइनस 3n, तो ये आ गया हमारा an। ठीक है, कोई भी सीरीज दी है हमें तो पे हमें a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, a2 माइनस a1 करके सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके a2 मिल जाएगा, d मिल जाएगा एंड an मिल जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो जो सीरीज होती है हमेशा ऐसा नहीं कि प्लस में जाएगी, सीरीज करके कभी माइनस में भी जाती है, जो कॉमन डिफरेंस है माइनस में आया, अगर मैं एक एक नंबर को माइनस कर दिया तो आप माइनस से 3 माइनस किया 6 आ गया, 6 माइनस 3 कितना आएगा 3, 3 माइनस 3 करेंगे 0 आएगा। ठीक है, तो सीरीज अब क्या माइनस में जा रही है, माइनस में आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।